Hey, में हम लोगों ने इस गेम के बेसिक सीख लिए थे हमने दो तीन पोके को पकड़ा था हमने यहाँ पे छोटी सी कैंप फायर बनाई थी अपना वर्क स्टेशन बनाया था और आज के एपिसोड में हम लोग इस गेम में एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे एक छोटा सा हाउस लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो मेरे जो वेपन है वो डैमेज हो चुके तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पे एक रिपेयरिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा तो रिपेयरिंग स्टेशन बनाने के लिए मुझे बिल्ड में आना पड़ेगा और रिपेयर वाइज बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी वुड चाहिए काम करते हैं एक्जैक्टली इसी के साइड में रिपेयरिंग स्टेशन या बैच बनाते हैं तो ये मैंने बना दिया एंड इसको भी यहाँ पे जल्दी से बिल्ड करना शुरू कर देते हैं एंड गेमर्स एक और चीज़ हमारे जो पोकेमोन्स होते हैं ना वो भी ये सारी चीज़ें बिल्ड करने में मदद करते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोकेमोन है ना इसको मैं बाहर निकलता हूँ ये वाला पोकेमोन जो है ये एक्चुअल में हमारी बिल्डिंग में मदद करता है और भाई कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है तो अलग अलग पोकेमोन्स के अलग अलग काम होते हैं जैसे कि ये वाला जो अपना ये कटीवा है ये बिल्डिंग में हमारी मदद करता है जो कि काफी अच्छी बात है और अपना यहाँ पे वर्क बेंच बना लेगा और इसकी हम भी मदद कर देते हैं थोड़ा सा फास्ट बिल हो जाएगा अबे अभी फास्ट हो रहा है सो लेट्स गो ये लगभग हमारा वर्क बेंच बन के तैयार हो गया ये yeah! अरे देखा ये कितना कि खुश हो गया है और अभी ये कुछ ढूंढ रहा है करने के लिए काम देखते हैं क्या करता है वो गैदरिंग ओके अभी ये मतलब गैदरिंग का भी काम करता है रिपेयरिंग भी करता है भाई ये तो बहुत काम का बंदा है लेकिन अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने वेपन्स को रिपेयर करता हूँ जैसे कि अपना डैमेज वेपन ये वाला है मुझे इसको रिपेयर करना है रिपेयर ओके रिपेयर हो गया इसको रिपेयर करना है रिपेयर रिपेयर हो गए इसको भी रिपेयर करते हैं रिपेयर ओके गाइज सो तो मैंने सारे के सारे जो अपने वेपन्स हैं उनको रिपेयर कर दिया अभी तो काम तो करेगा ना हाँ अभी तो काम तो करे ओके ठीक है इसकी एनर्जी वापस आ चुकी है एंड एक बार इसको भूख वगैरह लगेगी एक बार मैं देख लेता हूँ मतलब हम अपने पेट्स को यहाँ पे खाना वगैरह भी खिला सकते हैं और मैंने मेरा आई थिंक सारा का सारा खाना इन चेस्ट के अंदर रखा है एक बार देख लेता हूँ मैं हाँ नहीं अरे मेरा खाना किधर गया आई थिंक मैंने कहीं पे फेंक दिया या पता नहीं मेरे पास अभी थोड़ा सा ही खाना है इसको यूज़ करते हैं ठीक है मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ और थोड़ा सा अपने कट्टी वाक को भी खिलाते और मुझे यार लग रहा है ना कि हम लोगों को ना हाउस में भी थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए क्योंकि यार हम लोग ना काफ़ी ऊपर है और यहाँ पे ना रहने का बस एक ही प्रॉब्लम है कि भाई मुझे ना मतलब सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद काफ़ी ऊपर आना पड़ता है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने हाउस को थोड़ा सा नीचे बनाया जाए वो सामने की तरफ जो का जगह दिखाई दी रे ना वो आई थिंक एक एकदम परफेक्ट जगह रहेगी अपना बेस बनाने के लिए क्योंकि वहाँ पर नदी का पानी भी है एंड हमको सारे ना बाकी की लोकेशन से एकदम पास में पड़ेगी ये जगह मैं बोल रहा हूँ ये मेरे को एकदम परफेक्ट जगह लग रही है एकदम परफेक्ट लोकेशन है देखो यहाँ पे ना नदी वगैरह एकदम पास में ही है और हमको ना ज़्यादा ऊपर वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सो so, सोगा इसी जगह लोकेशन पे ना हम लोग अपना बेस बनाने वाले हैं मतलब अपना परमानेंट बेस रहेगा तो यहीं पर अपना ना अभी मैं सामान अपना जो है वो बना लेता हूँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक वर्क स्टेशन बनाएंगे एक काम करते हैं यहाँ पे बनाते हैं ठीक है चल भाई जल्दी से बिल्ड हो जा तो ये अपना का अभी नीचे परमानेंट बेस रहेगा ऊपर देखो क्योंकि हमको मतलब ट्रैवल यार काफ़ी ऊपर नीचे करना पड़ता है दैट्स सा मैंने ना ये नीचे बनाने का सोचा एंड अपना यहाँ पे रिपेयर बंज भी बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस यहीं पर ये मैंने बना दिया एंड अपना जो है उसको बाहर निकलते आ जाए भाई बाहर चल ये बा चलिए आप बिल्डिंग का काम शुरू कर रहे हैं चल भाई दोनों साथ में काम करते हैं भाई कितना क्यूट लगता है ये भाई मैं बिल्ड तो कर रहा हूँ ना हाँ बिल्ड हो रहा है हो रहा है भाई दोनों भाई एक साथ में काम कर रहे हैं ओके एंड लगभग कि हमारा वर्क बैच तैयार हो गया इसी के साथ साथ हमको अपने घर का जो स्टेशन वगैरह है ना वो भी आज ही बनाने का है। तो ये हमारा गाइज रिपेयर बैंक यहाँ पे बनके तैयार हो गया और अभी मैं यहाँ पे एक अपना यहाँ पे ना हम लोग स्टोरेज चेस्ट भी बनाएंगे आ, स्टोरेज चेस्ट हमारा यहाँ पर रहेगा ठीक है यहाँ पर मैं अपना स्टोरेज बना लेता हूँ चलो भाई काम करना शुरू कर देगा दे वो गाइस कर रहा है एंड ये अपना चेस्ट भी बनके तैयार हो गया बहुत बढ़िया भाई तू तो बहुत बढ़िया काम करता है अपने हाउस का जो स्ट्रक्चर रहेगा ना उसको मैं यहीं पे कहीं पे बनाने की सोच रहा हूँ तो वापस आते हैं बिल्ड में यहाँ पे हमको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा सबसे पहले अपने हाउस का तो हाउस का सबसे पहले वुडन फाउंडेशन बनाना पड़ेगा इसके लिए दो वुड चाहिए आ, तो हम लोग वुडन फाउंडेशन में भी यहाँ पे बनाएंगे ये एकदम बढ़िया लोकेशन लग रही है ठीक है बस यार ये सीधा लग जाए ऐसा आरा टेढ़ा नहीं चाहिए मुझे मे बी यहीं पे हाँ गाँस यहीं पे लगाते हैं अभी के लिए यहीं पे लगाते हैं तो ये यह मैंने यहाँ पे वुडन फाउंडेशन लगा दिया एक बन गया ओ भाई कितना बढ़िया लग रहा है फिर उसके बाद मुझे एक और बनाना पड़ेगा इसी के साइड में ठीक है फोर बाई फोर का बनाते हैं मे बी ये इनफ रहेगा अपने लिए तो यहाँ पे भी एक रहेगा रात होने से पहले भी हमको पूरा घर बनाने का ठीक है एंड एक अपना यहाँ पे रहेगा तो ये यहाँ पे मैंने अपना फोर बाई फोर का फाउंडेशन बना दिया अपना कटिया बहुत खुश लग रहा है कटिया वाला जो भी नाम है उसका तो ठीक है ये हो गया फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर अभी वॉल्स बनानी है सबसे पहले विंडोज़ लगाते ठीक है मे बी हाउ अबाउट हेयर हाँ यहाँ पे एक विंडो होगी फिर एक विंडो हम लोग यहाँ पे भी लगाएंगे आ, नहीं विंडो नहीं दो वॉल लगा दें ठीक है पीछे की तरफ यहाँ पे एक वॉल रहेगी भाई मैंने काफ़ी सारी वुड कलेक्ट कर रखे थे दैट्स सन अपनी हेल्प हो रही है तो यहाँ पे मैंने दो वॉल्स लगा दी हम्म बढ़िया लग रहा है दिखने में एंड इस तरफ हम एक डोर लगा देंगे ऊपर की तरफ हमको नहीं सबसे पहले वुडन डोर लगाते हैं वुडन डोर मुझे लग रहा है ना मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए और यहाँ से ना एंट्रांस होगा हाउस का या मैं भी मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ हाँ यार यहीं पर लगा रहे थे वुडन डोर ये बढ़िया रहेगा ठीक है वुडन डोर भी लगा दिया हमने फिर उसके बाद वुडन डोर के साइड में एक्जैक्टली हमको एक विंडो और लगानी है और भाई मेरी सारी के सारी वुड खत्म हो गई कोई नहीं हमारे पास अभी टूल्स है तो यहाँ पे लकड़ी तोड़ के वो कलेक्ट करते हैं ठीक है थीके? और ये वाला ड्रैगन गाइज सामने ही खड़ा है भाई उसका लेवल सिक्सटीन है डिनो सोम नाम है उसका और मुझे लग रहा है वो खतरनाक होगा हमको उसको हम उसको पकड़ने की कोशिश तो करेंगे बट सबसे पहले अपना बेस तो बन जाए भाई तो आई थिंक इतनी वुड इनफ रहेगी काम करते करते गाइस लिटरली यहाँ पे ना अंधेरा हो गया है और मुझे अपना यहाँ पे ना जल्दी से एक कैंप फायर भी लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले काम करते हैं भाई कैंप फायर बना लेता तो हूँ मैं नहीं तो ना भाई ठंड से मैं मर जाऊँगा कैंप फायर अपना घर के अंदर बनाते हाँ घर के अंदर ही बनाते ठीक है कहीं जल ना जाए बस घर ठीक है यहाँ पर बनाते कैंप फायर मैंने कैंप फायर बना दिया चल अपना कल्टिवा यहाँ पे बिल्डिंग का काम शुरू कर दे एंड उसके साथ साथ अभी बाकी का भी यहाँ पे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी यहाँ पे एक वुडन विंडो यहाँ पे लगानी है हाँ एक विंडो यहाँ पे लगाते हैं एंड विंडो वाले हर हाउस मेरे को ना बढ़िया लगता है एंड एक वॉल फिर यहाँ पे लगा देते हैं तो ये अपना हो गया का स्ट्रक्चर कंप्लीट एंड एक मुझे लग रहा है एक विंडो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे परफेक्ट तो तो हमारा घर का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखिए बस कम्प्लीट कर लिया है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और अभी बस ऊपर की छत बनानी बाकी है तो छत के लिए हम लोग यहाँ पे मे बी वुडन रूफ़ यूज़ करेंगे हाँ यही ठीक है uh, या थोड़ा सा टेढ़ा बना है ऐसा सबसे पहले ऐसा जो ये होता है ना ये वाला हाँ ये वाला बनाते हैं ये वाला ना ऐसा इसका शेप भी देखने में बढ़िया लगेगा तो इसको रोटेट करना पड़ेगा एकदम बढ़िया लगेगा ये वाला हाउस और यहाँ पे भी सेम रहेगा कि यहाँ पे और दूसरा रोटेट करके लगेगा ये हाथ पे और अभी इस तरफ हमको रूफ़ लगानी है ये वाली ये वाली रूफ़ ऊपर की तरफ अरे नहीं ये रूफ नहीं है एक सेकेंड दूसरा आई थिंक ये वाला भाई वो टेडी रूफ नहीं है क्या अभी इसके ऊपर लगाने के लिए मेरे को दूसरा रूफ चाहिए होगा सो फाइनली गेमर्स हमने अभी यहाँ पे ना अपना रूफ भी बना लिया अभी घर से बाहर निकल के देखते हैं कैसा लग रहा है घर आ यार देखो जस्ट लुक एट दिस this, क्या ही बढ़िया लग रहा है इसको साइड से कवर करने के लिए आई थिंक मुझे कुछ नई चीज़ें अनलॉक करनी पड़ेंगी तो अपने घर के अंदर चलते हैं मुझे बहुत ठंड लग रही है और अभी यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी में आके कुछ अनलॉक करते हैं है। मे बी वो से ना ऐसा जो होता है ना ट्राइंगल वो मेरे को बिल्डिंग वाला अनलॉक करना पड़ेगा बट वो तो यहाँ पे है ही नहीं आ, फिर उसी के साथ साथ हमको यहाँ पे भी बू ए बू भी मिल रहा है इस बू को अनलॉक होते हैं ठीक है बू और उसके एरोस ओके okay, वो मिल गए भाई लेट्स गो फिर हमको ये आ, पाल बैड और इनके भी बेड्स होते हैं तो एक पाल हा ये, ये भी अनलॉक करता है ठीक है फिर अपना रिपेयर किट है यहाँ पे एंड क्लोथ भी है आई डोंट थिंक सो मुझे क्लोज अभी अनलॉक करने चाहिए बट uh, अभी जो है मिल रहा है वो गई सारी चीज़ अनलॉक करते हैं ठीक है फाइनली गेमर्स अभी हमारे पाल वर्ल्ड में एक बहुत प्यारी सुबह हो चुकी है ये वाला अगर हमने रात में बनाया था जस्ट लुक एट दिस हाउस काफ़ी प्यारा लग रहा है और अभी ना गेमर्स मुझे एक और चीज करनी है अपना पाल बेस जो है मुझे यहाँ पे भी बनाने का है तो सबसे पहले अपना पाल बॉक्स तो ये मैं यहाँ पे बेल करने की सोच रहा हूँ बट इसके लिए मुझे थोड़ी सी वुड चाहिए एक काम करते हैं जल्दी से चलते और थोड़ी सी वुड़ कलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग अभी ना बहुत सारे पोकेमाउस कैप्चर करेंगे ताकि ये पोकेमाउस हमारी ना मदद करने मतलब काम करने में भाई कर सके सो so, जल्दी से यहाँ पे वुड कलेक्ट करते हैं ताकि अपना पाल बॉक्स बन जाए उसके अंदर हम अपने पोकेमॉन्स को रखवा सकते हैं मतलब जो ना काम करते हैं वो एक साथ दो दो तीन तीन काम भी करते हैं ये आई थिंक मेरा स्टेमिना फुल हो गया यार फुल हो गया स्टेमिना एक काम करते हैं इतने में तो आई थिंक हो ही जाएगा ना अपना और इस बार हमारा जो पाल बॉक्स है ना वो मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ इसी लोकेशन पर बनाते ये एकदम बढ़िया रहेगा तो ठीक है ये आते यहाँ पे और पाल बॉक्स बनाते कै नॉट बिल्ड मोर बेसिस ओवरलैप कैरेक्टर ओ आई थिंक जो मैंने पहला बनाया है उसकी वजह से बोल रही है तो आई थिंक मुझे उसको ना गई तोड़ना पड़ेगा पहले वाले पैल बॉक्स को आई शपथ यार आई एम सॉरी अभी मेरे को वो ऊपर जाके तोड़ना पड़ेगा ठीक है कोई नहीं अभी काम करते फिर ना ऊपर जाके सबसे पहले वो वाला पैल बॉक्स जो है उसको तोड़ के नीचे लेके आते ठीक है अगर मुझे अपने पैल बॉक्स को मूव करना है तो मुझे इसको याद से डिसेंबल करना पड़ेगा जो कि मैंने तोड़ दिया है फाइनली गाइज ये मैंने अपने पैल बॉक्स को तोड़ दिया है एंड यहाँ पे लास्ट में अपना थोड़ा सा खाना पक रहा था नहीं वो तो मैंने कलेक्ट कर लिया है और इधर भी अपनी थोड़ी सी वुड वगैरह है ये सारी चीज़ों को मैं अभी डिसेंबल करने वाला हूँ ठीक है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी थी मैंने सारी चीज़ों को गई अभी डिसेंबल कर दिया है एंड अभी वापस से अपना हम लोग पैल बॉक्स यहाँ पर बना सकते तो अभी यहाँ से सीधा निकल लेते थे नीचे बट ये क्या हो गया भाई मेरे पास आई थिंक बहुत सारा सामान आ गया ओके मुझे कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा एक काम करते हैं यहाँ से ना मैं ये पत्थर ड्रॉप करता हूँ ठीक है इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे यहाँ से ड्रॉप सो so फाइनली हमने सक्सेसफुली अपना जो पॉल बौ, पाल बॉक्स था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आ, वो मुझे पता नहीं था मैंने थोड़ा सा इसको यूट्यूब पे सर्च करा तो पता चला मुझे कैसे डिस्ट्रॉय करना है सो so, फाइनली मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया एंड अभी हम अपना नया बेस नीचे बना सकते हैं और वो रहा अपना हाउस क्या ही ज्यादा प्यारा लग रहा है आने वाले एपिसोड में ना हम उसको और भी बड़ा बनाएंगे अभी तो वे शुरुआत है और यहाँ से चलते हैं सीधा नीचे एंड यहाँ पे अपना पाल बॉक्स बनाने वाले हम लोग नया वाला ये जगह आई थिंक एकदम परफेक्ट रहेगी अपना पैल बेस बनाने के लिए सो so, यहाँ पे मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ लेट्स गो एंड अभी हम इसका फाउंडेशन बनाएंगे सो so, फाइनली एक और पैल बॉक्स गाइज हम लोगों ने भी यहाँ पे बना दिया है और ये वाला बेस अभी हमारा परमानेंट रहेगा पहले वाला जो बेस था वो हमारा परमानेंट नहीं था दैट्स सर हमने पहला वाला डिलीट कर दिया सो so, ये यह अपना यहाँ पे पैल बॉक्स बन गया एंड अभी इसके अंदर मैं अपने सारे पोकेमोन्स को रखवाने वाला हो ठीक है और इनको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये इसको रिलीज़ कर देता है ये बेस पे ठीक है और इसको भी ड्रॉप कर देता ताकि ये वाला जो पोकेमोन है वो अंडे दे सके तो मैंने दोनों पोकेमोन्स के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और अभी आई थिंक ये लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे और ये पैल बॉक्स में कितने बना सकता हूँ मैक्सिमम ओके पाँच बना सकते हैं स्टार्ट प्रोडक्शन अपना चिक भी आज यहाँ पे काम करने के लिए चल यहाँ पे काम करते घर एक ही के मुस्ता खाता रहता है ये यहाँ पे इसने थोड़ी सी वुड कलेक्ट करके रखी थी और दरवाजे घर के अंदर भी मुझे आई थिंक कि यहाँ पे ना थोड़े से स्टोरेज एरियाज मतलब बॉक्सेस वगैरह बनानी चाहिए तो मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ इन सब चीजें मटेरियल ठीक है बाद में बनाएंगे अभी है मेरे को तो यहाँ पे थोड़ा सा खाना मैंने रखा था लास्ट टाइम इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं ओके खाना आ गया ये गाइज इसने यहाँ पे सारे के सारे पाल्सपेयर बना दिए एंड यहाँ पे हम लोग क्लोज भी बना सकते हैं आर्मर के लिए वगैरह तो कितने बना सकता हूँ मैं ओके पाँच बना सकता हूँ इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं तब तक अपना वो किट बनाता रहेगा वहाँ पे ठीक है बहुत बढ़िया वो वहाँ पर काम कर रहा है एंड अभी चलते हैं और पोके को पकड़ते हैं बट अभी हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है ना जहाँ पे हमको पांच लैम बॉल्स को पकड़ना है मैं सबसे पहले वही कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे अपना डर लठा निकालते हैं लठ निकालते हैं चल चल आ जाए मेरे पास ओके ये लेट्स गो एक कैप्चर हो गया अभी मेरे को तीन और पकड़ने के ओके okay, मेरे को एक्सपी मिल गई थोड़ी सी बहुत बढ़िया अभी एक ओके एक और यहाँ पे लैम बॉल आ जाए लैम बॉल

एनहांस करता है ठीक है स्टैमिना को ही बढ़ाते और अपना वेट कैपेसिटी बढ़ाते हैं मे बी मतलब ज्यादा सामान था कि मैं कैप्चर कर सकूँ ठीक है ये मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया ओके okay, थोड़े से अपने पॉइंट्स आ गए अपने पास एंड अभी अपने को एक और लैमबॉल पकड़ने का है कहाँ पे गया क्या हैम बॉल, बॉल, बॉल भाई वो क्या चीज़ है हो भाई साहब ये क्या चीज है ओ फॉक्स पार्क भाई वहाँ पे फोक्सेस है भाई मेरे को यार उनको भी पकड़ने का मन कर रहा है लेकिन सबसे पहले तू आ जा रही ऐसी कितनी चल कैप्चर हो जा यस सो फाइनली गाइज हमारा जो चैलेंज था वो हमने कंप्लीट कर लिया है मैंने पाँच लैमबॉल्स को पकड़ लिया अभी हमारा नेक्स्ट चैलेंज है हमको भी क्या करना है चैलेंज द बॉस एट रायन सेंडिकेट टॉवर ये कहाँ पे है मुझे किसी बॉस से फाइट करनी है ओके ठीक है हम लोग वो भी कर देंगे लेकिन अभी सबसे पहले मैं सारे लैमबॉल्स को लेके जाता हूँ अपने बेस पे और उनको भी अपने ना पहल बॉक्स के अंदर रखवा देता हूँ मैं यहाँ पे सारे के सारे लैमबॉल्स रखवा देता हूँ भाई अपने पास बहुत सारे लैम्बॉल्स हैं अभी लेट्स गो ये सारे यहीं पे रहेंगे ये हमारा चैलेंज था दैट्स से हमने पकड़े थे वैसे भी भाई ये किसी काम का तो नहीं है मतलब पता नहीं ये करता भी क्या है तो मैंने यहाँ पे सारे लैमबॉल्स रखवा दिए और अरे भैया यार इनके लिए ना मुझे कहा बेड्स बनाने हैं भाई इसने कितना सारा काम कर रहा है भाई तू बहुत बढ़िया काम करता है यार मेरे लिए तो क्या एक काम करते अभी इनके लिए मुझे बेड्स बनाने पड़ेंगे तो एक काम करते हैं अभी इनके लिए मैं बेड्स बना ही देता हूँ अपना बैग हाँ ये कहा पै बेड बेड हाँ तो मुझे टोटल कितने अपने पास देखो तीन चार है तो इनको ना हम घर के बाहर ही सुलाएंगे ठीक है हाँ घर के पीछे सुलाते हैं इनको <laughs> एक यहाँ पे रहेगा फिर एक और बेड बनाने का ताकि ये लोग सो सके बाहर अच्छे तरीके से तीन बनाते अभी के लिए हमारे पास वैसे ज्यादा नहीं है इतने ही है बट ठीक है तीन ही इनफ रहेंगे तो यहाँ पे मैंने तीन बना दिया है और अभी अपना ये कटिया यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा एंड उसी के साथ साथ मैं अपने लिए भी एक बेड बनाने की सोच रहा हूँ घर के अंदर भाई क्योंकि रात होने से पहले ना बेड बना ही लेना चाहिए तो ये आते हैं और अपने लिए खुद का भी एक बेड बनाते हैं और ये आई थिंक बढ़िया लोकेशन रहेगी एकदम यू you नो know, खिड़की के पास में सो so, ये मैंने यहाँ पे अपने लिए एक बेड बना दिया एंड इसको भी आई थिंक कटिया बेल कर देगा नहीं हम खुद बनाते हैं ठीक है भाई वो सारा काम थोड़ी करेगा ओके इसने एक बेड तो कंप्लीट कर दिया और यार मैं थोड़े से ना फिर कैटिवा थोड़े से और पकड़ने की सोच रहा हूँ मैं यार क्योंकि ये बढ़िया काम करता है मतलब यू नो ईजी काम हो जाता है अपना बिल्डिंग का वगैरह बट देखते हैं उसी के साथ साथ अभी मैं अपने आस का एरिया भी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाला हूँ बट ये मैंने बेड बना दिया नाइस हमारा बेड गाइस बन के अभी यहाँ पे तैयार हो चुका है बेटी क्या हो रहा है रेडेड ओ oh वेट हमारे ऊपर गाइस किसी ने रेड कर दी है भाई मेरे पास तो वेपन भी नहीं है कौन है भाई आई मीन हु द हेल हाउ द हेल कौन आ रहा है ओ oh भाई साहब क्या हो रहा है ये ओके उधर से कोई आ रहा है आई थिंक वेट कटिया कटिया हमारे ऊपर किसी ने रेड कर दी डर लग रही है मुझे बहुत ज्यादा गाइस वो एक सेकंड यार मैं अपना बो वगैरह बना दूं ओके okay, बो एंड एरो उसके लिए मेरे को वुड चाहिए

मेरे पोकेमोन्स को तुम तो नहीं मारेंगे ना ये लोग कटिया मार इसको कटिया मार दियो कटिया ओके okay, कटिया मार तो रहा है, हुँ हुँ हु। है हु। Let's go! Yeah! हमारे बेस पे पूरा अटैक करोगे तुम्हारी ऐसी की तैसी सालो मार दे मार दे उसको ओ, मेरा आई थिंक मेरा खत्म हुआ है ओ भाई पोके हमारी मदद कर रहे बहुत बढ़िया तू तो आखिरी बचा जा गधे कहीं के समझता क्या है खुद को ओके okay, मर गया लेट्स गो गेमर्स हम लोग जीत गए भाई मैं डर गया था एक सेकंड के लिए मुझे लगे लोग बहुत पावरफुल होंगे भाई भाई बेसिकली चिक्पी ने वगैरह मेरी मदद करी बहुत बढ़िया चिक्पी भाई तू बहुत बढ़िया काम करती है <laughs> ओ भाई भाई मैं डर गया था मुझे लग रहा लो हम लोग मर जाएंगे अपने बेस को डिफेंड नहीं कर पाएंगे बट वी डेड इट अभी सबसे पहले यहाँ पे आ रही है आयरोज बना लेते हैं मैक्सिमम कितने ग्यारह आयरोज बनेंगे स्टार्ट प्रोडक्शन एंड वो बनाने के लिए भी मुझे ना काफ़ी सारा सामान चाहिए सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी सारा इसने स्टोन वगैरह कलर कर रखा था आ, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा ब्रेड है इसको सबसे पहले ना खा लेता हूँ मैं मुझे बहुत भूख लगी है एक सेकेंड लेट मी ईट एंड अपने पेट्स को भी भाई थोड़ा सा खिला लेता हूँ भाई इन लोगों ने बहुत मेरी मदद करी ओके भाई वो पकड़ा थोड़ा सा खा लिया मैंने एंड आई थिंक अपने पोकेमोन्स ब्रेड नहीं खाते ये तो वैसे यार काम तो बट काफ़ी बढ़िया कर रहे तगड़ा वाला भैया मेरे को बचा इन्होंने रेड से इसको यहाँ से मैं खाना खिला सकता हूँ ये ले भाई खाना खा ले लें खाना खा लिया खुश हो गया देखा भाई कितना प्यारा लग रहा है और इसी के साथ साथ मैं इसको ना इसे पकड़ के फेंक भेज सकता हूँ मतलब मैं जहा पे भी फेंकूंगा आई थिंक वो वहां पे काम करेगा क्या ओके वी टू थ्रो ठीक है तो इस तरीके से मैं इसको फिक्स असाइनमेंट दे सकता हूं ओके okay, वो एक ही काम करेगा मतलब यहाँ पे ओनली बिल करने का काम करेगा ओके ठीक है ऐसा नहीं है और इसको ना थोड़ा सा इसमें पेड भी कर देता हूँ यार बहुत प्यारा है मेरा कटिया सो so, ये मैंने यहाँ पे एक बो बनाना शुरू कर दिया लेट्स गो गेमर्स और मुझे लग रहा है ना मुझे एक और कटिया जैसे पोकेमोन को पकड़ना चाहिए ये लोग यार बहुत बढ़िया काम करते हैं मतलब मदद करते हैं हमारी सो so, ये अपना बो बन के तैयार हो गया फाइनली गेमर्स मैंने यहाँ पे बो बना दिया है और इसको एक्वायर करते हैं एंड मैं थोड़े से यहाँ पे और एरोज भी बनाने के लिए बोल देता हूँ कटिया को ठीक है कितने बनेंगे मैक्सिमम अरे एक ही बनेगा ठीक है एक तो एक नो वरीज सो अभी मैंने कहा यहाँ पे बो बना रही है uh, बो को यूज़ कैसे करें ये रही अपनी बो इसकी मदद से मैं बो को यूज़ कर सकता हूँ बट मुझे यार एरोज़ भी तो चाहिए होंगे बहुत सारे आयरोज अभी मेरे पास कितने हैं अभी मेरे पास अभी मेरे पास गाइज़ बारह एयरोज़ है सो आई थिंक इतने इनफ रहेंगे और मेरे पास अपने पाल्सर भी चौदह है तो अभी निकल लेते हैं यहाँ से पुकीमोहनस को पकड़ने के लिए ये वाला जो पुकीमोहन है गाइज मैं इसको पकड़ने की सोच रहा हूँ बट यार एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत बड़ा है और इसका लेवल थर्टी थ्री है इसके पास अगर मैं जाने की कोशिश भी करूंगा ना तो मुझे लग रहा है ये मेरे को मार देगा वैसे ये आई थिंक घास खाता है तो मेरा मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगा ज्यादा मुझे लग रहा है ना इसके ऊपर मुझे दूर से अटैक करना चाहिए सो हाउ अबाउट गाइज कोशिश करें इसको पकड़ने की <laughs> भाई मुझे डर तो देखो बहुत लग रहा है बट मैं ट्राई करूंगा ठीक है भाई वो कुछ फेंक रहा है आई शपथ ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ वट द हेल भाई ये बहुत खतरनाक आई शपथ मरा 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 मरा, मरा सॉरी सुख भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक <laughs> भाई कुछ मतलब मैं इजिली भाई ने इजिली मार दिया मुझे ठीक है मुझे वहीं पे जन्म लेना है वापस में यहीं पे था ना ओके okay, मैं आई थिंक यहीं पे हूँ या रिस्पॉन्ड होते हैं ओ नो अरे मैं काफ़ी ऊपर आ गया शेट ठीक है वापस निकले थे नीचे भाई साहब यहाँ पे ना बहुत खतरनाक है यार मुझे लगा रहा मैं उसको ईजिली मार पाऊंगा बट नहीं यार सॉरी इसलिए उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था मुझे लगा ही था वैसे बट हमने एटलीस्ट कोशिश तो करी यहाँ पे थोड़ी सी ओके okay, कुछ लूट है कलेक्ट कर लेते हैं क्या ओके okay, गोल्ड के कोइंस मिल गए थोड़े से और यहाँ पे भी कुछ है पिकअप ये क्या है भाई कैटावेज जर्नल मिला है मुझे ठीक है निकल लेते भी ऊपर यहाँ से भाई मेरा सामान तो मेरे को मिलेगा ना वापस भाई कि उसके अंदर मैंने बो बना के रखी थी एक तो बहुत महंगी बनी थी वो बो ओके okay, मुझे लग रहा है मेरा सामान मुझे वापस मिल जाएगा तो गाइज कोई नहीं वो ना मतलब मेरे से मेरे ओका से देखो काफी बड़ा था वो डर समय उसको पकड़ नहीं पाया मे भी आने वाले कुछ एपिसोड में उसको हम लोग पकड़ देंगे अपना चिकपी भी उधर ही है ना सबसे पहले अपना सामान मुझे दे दो यहाँ पे ओके okay, मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया भाई उस हाथी को ना मैं अभी नहीं हम बाद में पकड़ेंगे अभी कोई और पुखे पकड़ने की कोशिश करते हैं ये वाला भुखे यार काफी प्यारा लग रहा है अरे वो भाग रहा है मुझे देख के भाई कितना क्यूट है और इधर भी कुछ नए से हाँ इनको पकड़ते हैं यार ये तो यू you नो know, नूबड़े ही होंगे चलो आ जाए चल चल नूबड़े कहीं के इधर आ जाए सॉरी बट प्लीज़ टेम हो जाइ यस स्टेम हो जा प्लीज 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 टेम हो जा सिक्स परसेंट एटी नाइन नाइनटी फोर लेट्स गो गाइज हमने एक और नया पोकेमोन कैप्चर कर लिया ओके एटलीस्ट कोई नया तो मिला मुझे और ये फॉक्स हाँ गाइज ये वाली फॉक्स मेरे को टेम करनी है आ जाए मेरे फॉक्स आजा मेरी फॉक्सी मुझे डरावनी तो लग रही है थोड़ी सी ब्रो वाह मार इसको कर... ओ शेट ओ शेट टेम हो जा मेरी माँ ओके यस कम ऑन टेम हो जा प्लीज फॉक्स 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 मुझे लग रहा है ये बहुत बढ़िया होगी अपने लिए ओके एटी परसेंट ओ ये इसकी दोस्त है ओ दोस्त गुस्सा हो गई

फॉक्स पार्क को टेम कर लिया तो अभी हमारे पास लगभग दो फॉक्स है नाइस nice! वैसे ये लोग करते क्या है आ, यहाँ पे इनका काम मेरे को पता नहीं है बट मुझे लग रहा है ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए चल मैं आया मेरे पीछे आ जा भाई ये कितनी तेज भाग रही है ना ओके okay. तो हमने आज दो नए पोकेमोस को तो पकड़ लिया एटलीस्ट एंड ये वाला गाइस जो फॉक्स जैसे मेरे को मतलब वो जो रेनडियर क्या बोलते हैं उसको बार सिंगा जो है उस वो जो पोकेमोन है ना उसको गाइस हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पकड़ने की कोशिश करेंगे एंड ये रहा वो हाथी ओ नहीं 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 मेहमद फोरेस भाई ये तो बहुत खतरनाक है हमने इसी को पकड़ने की कोशिश करी थी और मेरी भाई बैन बज गई थी तो भी ठीक है हम लोग अभी नहीं लो नेक्स्ट एपिसोड में पकड़ेंगे एक लिए, think, इतने इनफ है। ये वाला हाथ से मारते है रुक जा लठ निकारेरा रुख अभी रुकना कितना क्यूट है पोटी करता है गदे कहीं के अबे अरे फॉक्स कुछ करना वो फॉक्स कहाँ पर गई एक सेकेंड फॉक्स का गाइस गाइस वो फॉक्स किधर गई एक सेकेंड ओके फॉक्स लैम को मार रही थी आई थिंक ओके मेरे ऊपर जो अटैक कर रहा था उसको ठीक है ओके अ -अ अभी तो पकड़ में आ जाओ अरे शेट यस पकड़, पकड़ जा पकड़ जा पकड़ जा पकड़ जा अरे भाई ये दोनों मेरे को मेरे को मार रहे हैं देखो ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है तो फॉक्सी उसको मार रही है तो इसको भी पकड़ते हैं ठीक है चल ये हो जाएगा टाइम मेरा पाल बॉक्स खराब हो गया अब उसको मार मत यार शेट। भाई फॉक्स फॉक्स ने तो तो उसको मार दिया ओ भाई ये तो यार बहुत बढ़िया काम करती है सो so गाइज हमने पोकेमोस तो पकड़ लिए अभी यहाँ से निकल लेते हैं ये क्या चीज है ओके uh, okay, मेरे को थोड़े से सीड्स वगैरह इनको कलेक्ट करता है ठीक है ओके गाइज सो फाइनली अभी हमने गेमर्स नए पोकेमोस पकड़ लिए अभी अपने बेस पे गेमर्स यहाँ से निकल लेते हैं वापस वही मज़ा आ गया सीरियसली आज के एपिसोड में हमने काफ़ी सारे नए पोके पकड़े एंड ये आ गया है अपना बेस हम लोग फॉक्स को भी लेके आ गए मेरे को फॉक्स वाला भी सीरियसली काफ़ी प्यारा पोकेमोन लगा ओके okay, और एक सेकेंड अपने कटिया के भाई लेग्स फ्रैक्चर हुए लग रहा है कहाँ पे क्या कटिया हेलो वेर ही यहाँ पे तो वो नहीं है एक सेकेंड एक काम करते हैं उसको ना मैं पाल बॉक्स के अंदर भी रखवा देता हूँ सबसे पहले अभी मैंने जो भी पोके पकड़े ना उन सबको मैं पाल बॉक्स के अंदर रखवा देता हूँ ठीक है ये सारे मैंने पाल बॉक्स के अंदर रखवा दिए और अपना जो कटिया है उसको थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है गाइज 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 मुझे इसका ना यहाँ पे इलाज करना पड़ेगा बट हाउ डू आई मतलब उनका इलाज कैसे करूँ मैं और मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे नाम भी दे सकता हूँ तो इसको हम लोग ना कटिया ही बोलेंगे ठीक है कटिया ठीक है इसको आइज हम लोग कटिया बोलेंगे काफ़ी प्यारा नाम है तो उसको मैंने नाम दे दिया बट यार इसको चोट लगी है तो चोट लगी है तो मैं इसको भी मतलब ठीक कैसे करूँ मुझे लग रहा है इसको ना मुझे बेड के ऊपर रखना चाहिए होगा यहाँ चल, पे आ रहे चल बेड पे चलियो मुझे लग रहा है अगर मैंने इसको बेड पे रखा तो ये ठीक हो जाएगा अभी मैंने कि कटिया को यहाँ पे सोने के लिए बोल दिया है और इसका मैं अभी मेन्यू ओपन करके देखता हूँ व्यू डिटेल्स पेट इसको थोड़ा सा ना खाना खिलाते हैं खाना खाते थोड़ा इसको भी गाइज मैंने थोड़ा सा खाना खिला दिया है मे भी ठीक हो जाएगा ये अभी हम लोग अपने यहाँ से ना पाल बॉक्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं Uh, तो अभी सबसे पहले ना इसको यहाँ पे मैं अपग्रेड कर देता हूं अपग्रेड करने के लिए आई थिंक वी दबाना है और ये अपग्रेड बेस तो गाइज अभी हमने अपने लेवल को आई I मीन mean, बेस को अभी हम लोग लेवल थ्री पे चले गए और अभी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम तीन पास को काम पे रख सकते हैं पहले यहाँ पे दो को ही रखने का ऑप्शन आ रहा था अभी तीसरे का भी आ गया तो तीसरे में हम लोग ना इसको बुलाएंगे अपने ये लैम बॉल्स को सो so, मुझे लग रहा है गाइज आज के लिए ना इतना ही नफा आज हमने काफी सारे प्रोग्रेस करी आज हमने नया हाउस बनाया बेस को शिफ्ट करा अगर आपके कुछ सजेशन है मुझे अपना कॉमेंट्स में नीचे बता दो एंड अपना जो एक कटिया है ना भाई उसका बोन फ्रैक्चर हो गया वो रिपेयर कैसे करूँ मुझे उसका भी कुछ बता दो उसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे एंड नीचे मैंने व्हाट्सअप चैनल का ली लिंक दे रखा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो वेबो गेमिंग इज माई इंस्टाइड आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके कुछ बता सकते हो आपको बताना है एंड फाइन थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट एपिसोड बाई ग